मध्य प्रदेश से हैं अगली कॉलर मंजू जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए मैम, नमस्ते मैम। जी। नमस्कार मैं अंजू बोल रही हूँ एमपी से। अंजू जी, ठीक है बताइए, सवाल करिए। अंजू बोल रही हूँ मैम। हाँ जी अंजू है आपका नाम, आप टीवी मत सुनिए, टीवी से सुनेंगी तो फिर अच्छे से बात नहीं हो हाँ जी पाएगी। मैम। हाँ मैं आप ही किससे बात करें, मैं टीवी नहीं सुन रही हूँ हाँ मैम। ठीक है, आप सवाल कर लीजिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ मैम। अंजू जी बात हो रही है, मैं तो आपको अंजू कह रहा हूँ, इन्होंने मंजू कहा था हाँ ठीक है। सर नमस्ते। जय हिंद। सर मुझे ना पेट में ना बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बताइए। मुझे मुझे पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी होती है। और मुझे ना पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी पड़ती है, गैस बहुत बनती, गैस पास नहीं होती मैम, और मोशन भी ना बार बार लगते हैं और मोशन भी ठीक से पास नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए अब। उम्र मेरी 32 साल है ठीक है, और मुझे ना मोशन भी क्लियर नहीं होते मैम। ठीक है ठीक है, मैंने सुन लिया बच्चा, मैं समझ गया। मंजू जी आपके घर में एक इलाज है लेकिन आपको पता नहीं है। ये मेथी का दाना लीजिए 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और धनिए का दाना 200 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनवा लीजिए, बना लीजिए, ये रेशियो से बनाना है। आप इससे ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 100 ग्राम मेथी का दाना, 200 ग्राम धनिया, इसको पाउडर बना के रखें। अब इसको खाना कैसे है, एक आता है नमक जैतून, असली लें, नमक जैसा दिखने वाला ये पदार्थ दुनिया में ऐसा है जो नमकीन नहीं होता, और लेकिन इसे नमक जैतून कहते हैं, या ये रसायन जैतून भी कहते हैं, या इसको एस्टेक भी कहते हैं जैतून का, और बहरहाल ये नमकीन नहीं होता। और ये जो आपने मेथी और धनिया का पाउडर बनाया, एक चम्मच लें और एक या दो चुटकी इसमें नमक जैतून मिलाएं, खाने से आधा घंटा पहले आप इसे खाकर पानी पी लें गर्म, बस काफ़ी है। एक बार या दो बार दिन में खाने से पहले आप ये करें तो आपकी तीनों समस्याओं का निदान मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।